हेलो गाइस, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा कमाल का होने वाला है। गाइस, जैसा कि आपने आज वीडियो के स्टार्टिंग में जिस ट्रेंडिंग व्हाट्सअप स्टेटस वीडियो को देखा, दोस्तों आज मैं आपको कुछ इस तरह की स्टेटस वीडियो बनाकर सिखाने वाला हूँ। और दोस्तों, आप यहाँ पर अपने खुद के फोटो से कुछ इस तरह की स्टेटस वीडियो बना सकते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग भी अपने खुद के फोटो से कुछ इस तरह की स्टेटस वीडियो बनाना चाहते हैं तो आप लोग देखते रहिए इस वीडियो को एंड तक बिना स्किप किए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, क्योंकि दोस्तों मैं अपने चैनल पर ऐसी वीडियो लेकर आता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में कान मास्टर ऐप की लिंक मिल जाएगी, तो आपको लिंक पर क्लिक करके कान मास्टर ऐप को डाउनलोड कर लेना है। गाइस, आपको कान मास्टर ऐप को ओपन करना है। कान मास्टर ऐप ओपन होने के बाद आपको प्लस वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको 960 की साइज को सिलेक्ट करना है। सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। एडिटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। नीचे एक ऑप्शन मिल रहा है फिल स्क्रीन, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ से आपको इसको डन कर देना है। मीडिया वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके मोबाइल की गैलरी ओपन हो जाएगी। तो यहाँ से आपको पहले चार वॉलपेपरों को या फोटोओं को सिलेक्ट कर लेना है जिस पर भी आप वीडियो को बनाना चाहते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने चार वॉलपेपरों को इसमें सिलेक्ट कर लिया है। सिलेक्ट होने के बाद आपको फर्स्ट पोजीशन पर आ जाना है। आपको राइट साइड में एक ऑप्शन मिल रहा है ऑडियो वाला, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद यहाँ पर पहले ही आपको साउंड को इसमें सिलेक्ट करना है। गाइस, आपको साउंड पर इस तरह से क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा प्लस वाला, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपका साउंड कान मास्टर ऐप में ऐड हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं हमारा साउंड यहाँ पर ऐड हो चुका है। अब गाइस, आपको वॉलपेपर की लेयर को इस तरह से जूम करना है। इस तरह से आपको वॉलपेपर की लेयर को जूम कर लेना है और आपको फर्स्ट पोजीशन पर आ जाना है। अब गाइस, आपको वीडियो को थोड़ा सा आगे बढ़ाना है। इस तरह से आपको आगे बढ़ाते जाना है। गाइस, आपको यहाँ से ज़्यादा साउंड आ रहा है, यहाँ से आपको वॉलपेपर को कट करना है। गाइस, आपको नीचे साउंड में देखते जाना है और वॉलपेपर को कट करते जाना है। तो आपको फर्स्ट वॉलपेपर को यहाँ से कट करना है। कट करने के लिए आपको वॉलपेपर पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको कैची वाला ऑप्शन मिल रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ से आपको ट्रिम टू राइट टू पेड पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपका वॉलपेपर कट हो जाएगा। यहाँ से आपको इसको डन करना है। गाइस, आपको वीडियो को थोड़ा सा आगे बढ़ाना है। गाइस, आपको सेकंड वॉलपेपर को यहाँ से कट करना है। कट करने के लिए आपको कैची वाला ऑप्शन मिल रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको ट्रिम टू राइट टू पेड पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपका वॉलपेपर कट हो जाएगा। यहाँ से आपको इसको डन कर देना है। फिर से वीडियो को थोड़ा सा और आगे बढ़ाना है। अब गाइस, आपको तीसरे वॉलपेपर को यहाँ से कट करना है। आपको वॉलपेपर पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको कैची वाला ऑप्शन मिल रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ से आपको ट्रिम टू राइट टू पेड पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपका वॉलपेपर कट हो जाएगा। यहाँ से आपको इसको डन करना है। अब गाइस, आपको वीडियो को थोड़ा सा और आगे बढ़ाना है। बढ़ाने के बाद गाइस, यहाँ से हमारा ज़्यादा साउंड आना चालू हो रहा है। यहाँ से आपको वॉलपेपर को कट करना है। कट करने के लिए आपको वॉलपेपर पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको कैची वाला ऑप्शन मिल रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ से आपको ट्रिम टू राइट टू पेड पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपका वॉलपेपर कट हो जाएगा। यहाँ से आपको इसको डन कर देना है। गाइस, आपको चार वॉलपेपरों को इस तरह से सेट करना है। सेट होने के बाद आपको वॉलपेपर की लेयर को आपको जूम आउट कर लेना है। इस तरह से आपको वॉलपेपर की लेयर को जूम आउट कर लेना है। गाइस, आपको सेटिंग वाला आइकन मिल रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। एडिटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको ऊपर एक ऑप्शन मिल रहा है डिफॉल्ट डायरेक्शन ऑफ अ फोटो क्लिप। आपको इसकी डायरेक्शन को 0.4 पर इसको सेट कर देना है। यहाँ से आपको इसको डन कर देना है। गाइस, आपको वॉलपेपर के लास्ट में जाना है। यहाँ से आपको वॉलपेपर को सिलेक्ट करना है। गाइस, आपको मीडिया के ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको मोबाइल की गैलरी ओपन हो जाएगी। यहाँ से आपको 10-12 वॉलपेपरों को इसमें सिलेक्ट करना है। गाइस, आपको वॉलपेपर की लेयर को फिर से जूम करना है। इस तरह से आपको थोड़ा सा जूम करना है। जूम होने के बाद आपको फर्स्ट वॉलपेपर पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको एक ऑप्शन मिला क्लिप ग्राफिक्स, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ से आपको स्वीट लाइंस वाली क्लिप ग्राफिक्स पर क्लिक करना है।
गाइस अगर आपको कैनवास्टर ऐप में स्वीट लाइंस वाली क्लिप ग्राफिक्स ऐड नहीं है तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मैंने एक वीडियो का लिंक दे दिया है जिससे मैंने बताया है कि आप स्वीट लाइंस वाली क्लिप ग्राफिक्स को कैनवास्टर ऐप में कैसे ऐड कर सकते हैं। तो आपको इस वीडियो को देख लेना है और स्वीट लाइंस वाली क्लिप ग्राफिक्स को कैनवास्टर ऐप में ऐड कर लेना है। इस तरह से आपको पाँच नंबर वाली क्लिप ग्राफिक्स को इसमें लगा देना है, यहाँ से आपको इसको डन कर देना है। सेकेंड वॉलपेपर पर क्लिक करना है, क्लिक होने के बाद क्लिप ग्राफिक्स पर क्लिक करना है, यहाँ से आपको कॉल मी डीजे वाली क्लिप ग्राफिक्स पर क्लिक करना है और लास्ट वाली क्लिप ग्राफिक्स को इसमें लगा देना है, यहाँ से आपको इसको डन कर देना है। इसी तरह से गाइस आपको क्लिप ग्राफिक्स को लगाते जाना है, तो चलिए हम लगा देते हैं। अब यहाँ पर आपको कॉल मी डीजे वाली क्लिप ग्राफिक्स को लगा देना है, इस तरह से आपको कॉल मी डीजे वाली क्लिप ग्राफिक्स को लगा देना है। तो गाइस आप देख सकते हैं मैंने चार वॉलपेपरों में क्लिक ग्राफिक्स को लगा दिया है। अब गाइस आपको पांचवें वॉलपेपर पर क्लिक करना है, क्लिक होने के बाद आपको क्लिक ग्राफिक्स पर क्लिक करना है, यहां से आपको स्वीट लाइंस वाली क्लिप ग्राफिक्स पर क्लिक करना है, यहां से गाइस आपको 11 नंबर वाली क्लिप ग्राफिक्स को इसमें लगा देना है, यहां से आपको इसको डन करना है। इसी तरह से गाइस आपको 11 नंबर वाली क्लिप ग्राफिक्स को सही वॉलपेपर में लगा देना है। तो चलिए गाइस हम 11 नंबर वाली क्लिप ग्राफिक्स को सही वॉलपेपर में लगा देते हैं। इस तरह से आपको स्वीट लाइंस वाली 11 नंबर वाली क्लिप ग्राफिक्स को सही वॉलपेपर में लगा देना है। तो चलिए हम जल्दी से लगा देते हैं। गाइस आप देख सकते हैं मैंने सही वॉलपेपर में स्वीट लाइंस वाली 11 नंबर वाली क्लिप ग्राफिक्स को लगा दिया है। आपको भी इसी तरह से सही वॉलपेपर में क्लिप ग्राफिक्स को लगा देना है। अब गाइस आपको वॉलपेपर की लेयर को जूम आउट करना है, इस तरह से आपको वॉलपेपर की लेयर को जूम आउट करना है, फर्स्ट पोजिशन पर आ जाना है। गाइस आपको लेयर पर क्लिक करना है, क्लिक होने के बाद मीडिया पर क्लिक करना है, यहाँ से आपको इसमें एक इफेक्ट वीडियो को सिलेक्ट करना है। गाइस इस वीडियो को बनाने में जो भी इफेक्ट वीडियो साउंड यूज होंगे आपको उन सभी का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आपको लिंक पर क्लिक करके सभी इफेक्ट और वीडियो साउंड को डाउनलोड कर लेना है। तो इस तरह से आपको इफेक्ट वीडियो को सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट होने के बाद आपको इसको खींचकर फुल स्क्रीन में इस तरह से लगा लेना है। यहाँ से आपको नीचे चले जाना है, नीचे एक ऑप्शन मिलेगा ब्लेंडिंग, इस पर क्लिक करना है, स्क्रीन वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, यहाँ से आपको इसको डन कर देना है। लेयर पर क्लिक करना है, क्लिक होने के बाद मीडिया पर क्लिक करना है, यहाँ से आपको इसमें एक और इफेक्ट वीडियो को सिलेक्ट करना है। इस तरह से गाइस आपको इफेक्ट वीडियो को सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट होने के बाद आपको इसको खींचकर फुल स्क्रीन में इस तरह से लगा लेना है। यहाँ से आपको नीचे चले जाना है, नीचे एक ऑप्शन मिलेगा ब्लेंडिंग, इस पर क्लिक करना है, क्लिक होने के बाद आपको स्क्रीन वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, यहाँ से आपको इसको डन कर देना है। आपको गाइस वीडियो को थोड़ा सा और आगे बढ़ाना है, यहाँ से गाइस आपका जो चौथा वॉलपेपर है आपको यहाँ पर आना है। आने के बाद गाइस आपको लेयर पर क्लिक करना है, क्लिक होने के बाद मीडिया पर क्लिक करना है, यहाँ से गाइस आपको एक इफेक्ट वीडियो को इसमें लगा देना है। इस तरह से गाइस आपको इफेक्ट वीडियो को सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट होने के बाद आपको इसको खींचकर फुल स्क्रीन में इस तरह से लगा देना है। यहाँ से गाइस आपको नीचे चले जाना है, नीचे एक ऑप्शन मिलेगा ब्लेंडिंग, इस पर क्लिक करना है, स्क्रीन वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, यहाँ से आपको इसको डन कर देना है। अब गाइस आपका जहाँ से चौथा वॉलपेपर ख़त्म हो रहा है यहाँ से इफेक्ट वीडियो को कट करना है। कट करने के लिए आपको इफेक्ट वीडियो पर क्लिक करना है, क्लिक होने के बाद आपको कैची वाला ऑप्शन मिल रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद यहाँ से आपको ट्रिम टू राइट टू पेड पर क्लिक करना है, क्लिक करते ही आपके इफेक्ट वीडियो कट हो जाएगी, यहाँ से आपको इसको डन कर देना है। तो गाइस आप देख सकते हैं हमारी वीडियो कुछ इस तरह से यहाँ पर एडिट हो चुकी है। अब गाइस आपको लास्ट बार लेयर पर क्लिक करना है, क्लिक होने के बाद मीडिया पर क्लिक करना है, यहाँ से आपको इसमें एक बॉर्डर लाइन को सिलेक्ट करना है। इस तरह से आपको बॉर्डर लाइन को सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट होने के बाद आपको बॉक्स वाला ऑप्शन मिल रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद यहाँ पर आपको क्लिक करना है, क्लिक करते ही आपके बॉर्डर लाइन फुल स्क्रीन में लग जाएगी, आपको बॉर्डर लाइन की लेयर को खींचकर वीडियो को लेयर के बराबर कर देना है, यहाँ से आपको इसको डन कर देना है। तो गाइस आप देख सकते हैं हमारी वीडियो पूरी तरह से यहाँ पर एडिट हो चुकी है। अब हम वीडियो को चलाकर देखेंगे। गाइस आप देख सकते हैं हमारी वीडियो कितनी अमेजिंग तरह से यहाँ पर एडिट हो चुकी है। अब गाइस आपको इस वीडियो को डाउनलोड करना है, डाउनलोड करने के लिए आपको ऊपर एक ऑप्शन मिल रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको नीचे एक ऑप्शन मिल रहा है एक्सपोर्ट, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपकी वीडियो डाउनलोड होने लगी। तो दोस्तों आप इसी तरह से अपनी फोटो लगाकर किसी वॉलपेपर को लगाकर न्यू ट्रेंडिंग व्हाट्सएप स्टेटस वीडियो बना सकते हैं। गाइस अगर आपको वीडियो बनाने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। गाइस अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।